चैनल बैन हो जाएगा। सो हे एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था इस चैनल पे, क्योंकि भाई बहुत टाइम से कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो वीडियोस वगैरह मैंने रखे एडिट करने के लिए, बट वो वीडियोस नहीं कर पा रहा हूँ एडिट। इसीलिए मैंने आज सोचा कि एक वीडियो डाल ही देते हैं बहुत टाइम के बाद। तो आजकल यूट्यूब पे ये बहुत चल रहा है कि गर्ल्स आस्किंग बॉयज़ ऑकवर्ड क्वेश्चंस, फिर गर्ल्स बट वी डोंट आस्किंग। हैव एनी गर्ल्स हमारे पास रोहित है, तो इसलिए हम लोग एंड आज करने वाले हैं कि गर्ल्स आस्किंग बॉयज़ वियर्ड क्वेश्चन। ये देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और ये अकेले करता मैं अगर सारा तो मज़ा नहीं आता, इसलिए रोहित को भी लाए साथ में। पहला क्वेश्चन भाई, मतलब स्टार्ट कर देते, बहुत टाइम हो गया। व्हाट डू यू नोटिस फर्स्ट अबाउट अ गर्ल, तू बता भाई। आइस मैं क्या नोटिस करता हूँ सबसे पहले गर्ल्स में, तो भाई कुछ ऐसे मतलब पर्टिकुलर, मतलब ये नहीं कि भाई सीधा हम भाई एक ही चीज़ देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है भाई। तो कुछ नहीं नहीं कह नहीं मैं सकते। आइस ही देखता हूँ, आप कुछ और देखते हैं तो तो हमें नहीं तू पता। आइस कैसे देखता भाई, मतलब लड़की आ रही है और नहीं तू नहीं सीधा आजकल नहीं, आजकल हम मतलब शक नहीं नहीं आजकल शक नहीं दे सकते, मास्क लगा हुआ है ना आजकल तो। आइस अच्छा शक्ल आजकल, तो पहले पहले शक्ल है पहले पहले नहीं पहले भी आइस भाई साहब। भाई पता देखो नहीं ये शक्ल मैं शक्ल भी कंफ्यूज हूँ। देखते हैं भाई। कोई ऐसा कुछ प्री डिफाइन नहीं है क्या? कह नहीं सकते, नहीं बट जो दिख जाए वो ठीक है। ये सॉरी। बहुत अच्छा ओ आंसर है। वाओ ओके अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा, हाउ ऑफन डू यू थिंक अबाउट सेक्स। भाई बहुत क्वेश्चन भाई, ये सेक्स वाला क्वेश्चन तो भाई बहुत बार पूछा है। हाउ ऑफन डू यू थिंक अबाउट सेक्स, तो वैसे किया नहीं है कभी, मौका मिले तब देखते हैं, वरना मतलब ज़्यादातर हमेशा यार मतलब दिमाग में यही चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब फ्री होते हैं तब भी बहुत चलता भाई, मतलब कुछ कह नहीं सकते, कुछ यही है, लेकिन हाँ बहुत चलता भाई तेरे में। मैं ऐसी बात के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। सीधा सीधा बात कर यार, मैं वो ये रहा, मैं नहीं कितना सोच मैं नहीं सोचता ए झूठ है, कितना झूठ कितना है। कितना मैं नहीं सोचता। आई एम वेरी प्योर फ्रॉम पवित्र हूँ मैं। पवित्र। पवित्र ओके ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, डू यू केयर इफ अ गर्ल शेव्ड और शेव्ड और नॉट। बियर्ड की बात हो रही है। भाई ये पता नहीं किस चीज़ की शेविंग की बात हो रही है, बट अगर ऐसे देखा जाए तो अगर बहुत सी लड़कियां भाई जो करवाती हैं, शेव करती हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं ऐसे, कभी मैंने लड़की से सीधा सुना नहीं कि भाई वो शेव करती है, बट हाँ वीडियोस में काफ़ी देखा है भाई। मैंने अभी तक सिर्फ ढंग से ना दो तीन बार ही शेव करी है प्रॉपरली, मुंह की ये करता रहता काफ़ी शेव। बट लड़कियों की बात करें तो क्या डू यू केयर इफ अ गर्ल शेव्ड और नॉट, तो भाई मेरे को कोई मतलब नहीं, जब तक कि मतलब वो अच्छी दिख रही है तो, और अपनी मर्जी है भाई, हर किसी का है, शेव कराओ नहीं कराओ, हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। मेरा भी सेम ही है। और अब खुद इमेजिन करो यार, अब एक लड़की आ रही है उसकी मेरी जितनी मूछें, तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में तो, मतलब हाँ मतलब थोड़ा तो है भाई कि मतलब एकदम ऐसे भी नहीं, मतलब मूछें होंगी दाढ़ी होगी तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। डू गाइज टॉक अबाउट गर्ल्स लाइक गर्ल्स टॉक अबाउट गाइज। देखो भाई लड़कियों का पता नहीं कि वो बातें करती हैं लड़कों के बारे में, लेकिन भाई हम लड़के बहुत बातें करते हैं, बेहद मतलब इतनी बातें करते हैं लड़कियों की, मतलब अगर जैसे दो तीन अगर बंदे हों तो ज़्यादातर तो भाई लड़कियों की बातें होती हैं भाभी अगर देखो भाई अब इस एज में हम लोग तो भाई लड़कियों की बातें होती हैं, बाकी रोहित मैं पढ़ाई की बातें करता है ऐसी दिस दे, मतलब। ओके सो सम टाइम मैं तो ये झूठ बोल रहा है सबसे ज़्यादा भाई, नहीं ये करता महाशय भाई। सबसे ज़्यादा बात करते लड़कियों के बारे में। नहीं, मैंने 1 साल से नहीं की इतनी, भूल गया तू। पहले 1 साल से नहीं भाई, बहुत बातें करता है ये करता था तब। भाई। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग मतलब नहीं दे सकते आंसर, लेकिन फिर भी वीडियो जो है लंबी करने के लिए और थोड़ा यू नो मज़ा आए, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट पीरियड सेक्स। भाई हमने किया नहीं कभी, और इसका आंसर नहीं दे सकते, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक और, वुड यू केयर इफ योर गर्लफ्रेंड हैड अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स।
ज्यादातर लड़कियों के भाई बहुत सारे गाइस फ्रेंड्स होते हैं, मतलब मेल फ्रेंड्स होते हैं, वो कोई अलग बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मतलब बहुत केयर करते भाई, जैसे अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है तो उसको बहुत चिंता रहती है, क्योंकि आजकल वैसे भी हर दूसरे दिन मैं तेरी बॉयफ्रेंड चेंज। गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सही में, कभी? पहले थी, पहले बट पहले भी नहीं थी, इसकी थी पहले भाई गर्लफ्रेंड। तो इसको मेरी इसको नहीं थी इसको इसको भाई, भाई इसको फुल बेइज्जती ना करो मेरी, एक्सपीरियंस है। मेरी नहीं थी भाई, आई एम हम भैया वेरी संत आदमी, प्योर। मतलब देख शक्ल देख के मतलब बता सकते हो हमारी नहीं है। मेरी भी नहीं थी। वट वुड यू वॉन्ट टू डू ऑन अ फर्स्ट डेट? देखो भाई, अगर मेरी फर्स्ट डेट होगी तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं फर्स्ट डेट पे कोशिश करूँगा या हम बाइक पे या गाड़ी पे राइड करें, स्पेशली बाइक पे, मतलब आई लाइक बाइक्स मैन। तो बाइक में जाएंगे राइड करने, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, अभी ये कन्फर्म नहीं है भाई, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते फर्स्ट डेट पे। बस यही है, मैं मेरे तो भाई मैं फर्स्ट डेट पे यही करना चाहूँगा कि बाइक राइड या अपनी कार में ड्राइव पे जाएंगे बस। और तू बता, तू ही करेगा सिंपल सिंपल क्या सिंपल डेट, ऐसे ही बात क्या बातचीत, मतलब एक क्या बातचीत? तू तू डेट पे जाएगा और सिर्फ बातचीत करेगा, तो और क्या कर सकते हैं बातचीत के, मतलब बियॉन्ड क्या बात करेगा भाई, ऐसे ही नॉर्मली, क्या नॉर्मली है वो तो ऐसे बात कर लेंगे भाई, पता नहीं तब होगी तब सोचेगा, इसके चैनल बैन हो जाएगा नहीं होता रहा इस पे, इस चैनल पे। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं दूसरे चैनल पे नहीं कर रहा, बिकॉज उस चैनल पे थोड़ा लगता है ना कि जब भी अगर आपको कुछ इस तरीके की कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह पड़ेगी उस पे तो दुख होगा। लेकिन इस पे भाई अब आदत हो गई है, मतलब काफ़ी वीडियोस मेरी जा चुकी हैं। तो डू यू लाइक व्हेन द व्हेन गर्ल मेक्स द फर्स्ट मूव? भाई ऑब्वियसली मेरे को तो मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब भाई बिना एफर्ट के मतलब हो रहा है काम, तो मतलब क्यों मज़ा नहीं आएगा भाई, और सच में मज़ा आएगा। तू बता, मुझे कभी कभी ऐसा, मैं म्यूचुअल होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्या बोलूँ भाई क्या भाग रहा है यार तू एक्स ओ शिट, मतलब दोनों मतलब सेम पेज पे आके बोलने, मतलब भाई? तो मेरे को अच्छा लगता है म्यूचुअली, गुड गुड गुड, यस यस आई डू। ऑब्वियसली यस यार, मतलब कम एफर्ट में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो भाई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट थिंग। वो चीज़ें और ज़्यादा देर तक चलती भी नहीं बउआ। भाई वो तो बाद में पता लगेगा चलेंगी कि नहीं चलेंगी, देखते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं क्या के? तो ये भी है, डू यू इवन थिंक अबाउट मैरिज? भाई अभी हमारी एज एक्चुअली उतनी नहीं है जितनी मेरी एज है ना, उस एज में लड़कियों की शादी यहाँ पे स्पेशली गांव में हो जाती है, और हमने खुद देखी है, मैं जाके भी आया हूँ। तो लड़कियों का तो पता नहीं, बट शादी के बारे में भाई सोचते हैं, क्योंकि हाँ अब भाई ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं कि मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का हो। और सेकंड ऑप्शन आपको पता है कि अरेंज मैरिज है, तो उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी। बट हाँ सोचते हैं भाई कि मैरिज वैरिज ज़्यादा भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का आजकल वैसे बहुत सीन पानी रह रहा है, तो भाई सोचता हूँ। तू बता, मेरे को मैरिज से नफरत तो भाई रोहित तुम्हारे शादी है, नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नफरत है मेरे को चीजों से। ये बड़ा बच्चूती आदमी यार, सारी गाड़ी खराब कर दी इसने। व्हाट आर योर फेवरेट थिंग फॉर अ गर्ल टू बेयर? क्लोथ्स वही वो मेरा फेवरेट चीज़ है, कुछ कंफर्म नहीं है, बिकॉज कुछ लड़कियाँ होती हैं उन पे वो सलवार सूट अच्छा लगता है, कुछ कुछ पे नहीं लगता अच्छा, कुछ पे जीन्स वगैरह अच्छी लगती हैं, तो कुछ कह भी नहीं सकते भाई। और मेरी फेवरेट चीज़ तो भाई कुछ भी पहन ले फेवरेट बन जाती है। तो तू बता फिर। जिसमें लड़की अच्छी लगे वो पहनने, वो मेरे को तो कुछ वाह, दिस इज लाइक ये होता है भाई, ये मतलब एक्सपीरियंस बंदों का जो है। भाई एक्सपीरियंस क्या हो ओके भाई, मजाक हो। एक और क्वेश्चन है, तो ये है, व्हाट आर योर थॉट ऑन पेइंग फॉर डेट्स? वुड यू वांट टू पे, वुड यू वांट टू स्प्लिट इट? तो भाई सीधा सा है, जब हम डेट पे जाएंगे अगर लड़की के साथ जा रहा हूँ, तो क्या मतलब हम मैं ही पे करूँगा या फिर मतलब मैं स्प्लिट करना चाहूँगा बिल? ये डिपेंड करता है, अगर हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे तो भैया 20-40 रुपए देने में कहाँ क्या घटता है भाई अपना। अगर वहीं पे अगर कुछ मतलब गोलगप्पे वाली डेट है, गोलगप्पे वाली डेट भाई, मतलब देख लो भाई ऐसी सोच है, मतलब और क्या बोल सकते हैं अपना।
लेकिन अगर हाँ अगर कुछ ज़्यादा कुछ मतलब हाँ बहुत एक्सपेंसिव टाइप हो गया तब तो भाई सोच सकते हैं स्प्लिट करने का। ऑब्वियसली भाई मतलब अब अभी भैया अभी उतना अर्न मतलब अभी कमा नहीं रहे हैं, अगर कमा रहे होते तब तो चलो पूरा मतलब पे कर देता मैं, तब कोई दिक्कत नहीं थी। या स्प्लिट कर सकते हैं भाई स्प्लिट, अभी कमा रहे होते तब नहीं बट ऐसे तो स्प्लिट करेंगे। तू बता म्यूचुअली होना चाहिए, मतलब गर्ल भी पे करे, स्प्लिट मतलब। स्प्लिट सही रहेगा यार, अभी मतलब मैं गरीब हूँ अभी गरीब अभी भाई हम गरीब हैं, अभी नहीं कमा रहे, जब कमा रहे होंगे तब भाई तब तो डेफिनेटली मैं ये नहीं करूंगा कि भाई तुम पे करो, कभी नहीं पे करने दूंगा। स्प्लिट। तो रुको जरा, सबर करो। आर यू श्योर यू आर नॉट गे? अजीब क्वेश्चन है यार, मतलब